हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा होम। सो आज जो ड्यूप्लेक्स विला आप विजिट करने वाले हैं, इसकी लोकेशन जगतपुरा जयपुर में रहेगी। लोकेशन काफ़ी प्राइम रहेगी। जगतपुरा में जो अक्षय पात्र टेम्पल है उसके बैक साइड में महल योजना आ जाता है, तो महल योजना डी ब्लॉक में ही लोकेटेड है। लोकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी रेजिडेंशियल लोकेशन है। सबसे मेन अगर अपन बात करें तो ये जो विलाज आप देख रहे हैं, दो विला हमारे यहाँ पे बन के रेडी हुए हैं। दोनों की अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो लगभग 17.5x40 का डायमेंशन आएगा। 17.5x40 का जो फ्रंट आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें आपको फ्रंट मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं फेसिंग इनका नॉर्थ फेसिंग रहेगा, वास्तु के अकॉर्डिंग काफी अच्छा फेसिंग है, कोई प्रॉब्लम आपको फेसिंग में भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। और आप देखेंगे फ्रंट एलिवेशन काफी अट्रैक्टिव इसका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी अपनी जेडी अप्रूव्ड है, जेडी अप्रूव्ड होने के साथ साथ सब डिविजन भी है। इसमें आपको नेशनलाइज्ड बैंक से एंड प्राइवेट बैंक से दोनों बैंकों से आपको लोन मिल जाएगा। बीसलपुर का पानी भी यहाँ पे मिल, आप कनेक्शन उसका मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पाइपलाइन उसकी डल चुकी है। सीवरेज यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सामने की जो डामर रोड बनी हुई है आपकी 30 फीट की रहेगी। लोकेलिटी एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया है। महल योजना वैसे ही जगतपुरा की काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही है। सो 3 BHK में ही बना हुआ है। फ्रंट मैंने आपको बताया 17.5x40 का रहेगा। 78 गज में ये बना हुआ है, काफ़ी साइज़ भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फ्रंट एलिवेशन भी हमने काफ़ी अट्रैक्टिव इसका डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो आइए अब चलते हैं इसकी एक विजिटिंग पे। विजिटिंग पे चलने से पहले, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले कृष्णा होम्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपको टाइम से मिलती रहेंगी। आइए, फ्रंट एलिवेशन आपने देख ही लिया है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं आपको ये मिल जाता है पॉर्च एरिया। आइए, पॉर्च एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज का आपका रहेगा। आप इजीली 1 कार यहाँ पार्किंग में अपना लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा इसके डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो लगभग 9x18 के आसपास इसका डायमेंशन रहेगा। अब आपको साइज से ही पता लग रहा होगा कि आप इजीली यहाँ पे कार अपनी पार्किंग में लगा सकते हैं। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे मिल गया है, टैब एंड ड्रेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया। आप इजीली अपनी कार वगैरह यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। अंडर वाटर जो टैंक का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया है। देखिए, वाटर टैंक आपको यहाँ पे मिल गया है। ऊपर स्टार्टिंग में जो फॉल सीलिंग का वर्क हमने यहाँ पे किया, ये भी काफी अच्छा किया है। सो आइए अब चलते हैं विला के अंदर। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते ही आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग दोनों में कंबाइंड रहेगा ये एरिया आपका। साइज आप देखेंगे तो काफी बड़ा साइज है, डायमेंशन इसका 12x16 के आसपास का रहेगा। सो आप उस साइड का अपना एरिया डाइनिंग का आप सेट कर सकते हैं। इस साइड का आप डाइनिंग बना सकते हैं किचन के बिल्कुल टच में, और इस साइड का एरिया आप अपना जो है लिविंग बना सकते हैं इस एरिया को। और लुक की अगर अपन बात करें तो देखिए, काफ़ी लाइट टेक्सचर का हमने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया है, और एसी फिटिंग्स आपको मिल ही रही है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का वर्क आप हमारा देखिए, काफ़ी अच्छे, काफ़ी यूनिक पैटर्न में हमने हमारे फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पे किया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सबसे मेन घर में वेंटिलेशन का रहता है, तो देखिए वैसे तो ये विला नॉर्थ फेसिंग है, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। इसके अलावा फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए विंडोज हमने यहाँ पे दिए, कर्टन से अगर आप हटाते हैं तो आपको फुल वेंटिलेशन रहेगा अपने लिविंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने LED पैनल यहाँ पे सेट किया है, आप काफ़ी अच्छी साइज की यहाँ पे LED अपनी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लिविंग में ही आपको यहाँ पे सिंक का ऑप्शन हमने दे दिया है, स्टेयर्स के बिल्कुल पास में। देखिए, ये एरिया भी हमने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, और हमने इसको डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा किया है। फॉल सीलिंग का भी जो न्यू पैटर्न में जो फॉल सीलिंग चल रही है मार्केट में, उसी तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है। आइए, ये हम आ गए हैं हमारे किचन में। ये आपकी ओपन किचन रहेगी, फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे वुडन का पार्टीशन लगा के इसे अगर आप सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी आपका हो जाएगा। इस साइड आप वुडन का पार्टीशन लगा सकते हैं। किचन का डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो 8x9 की आपकी किचन रहेगी। वेंटिलेशन आपको किचन में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी अच्छी सनलाइट आपको अपने रूम में मिल रही, लिविंग में मिल रही है, अपने किचन में मिल रही है। देख लीजिए, विंडो काफ़ी अच्छे साइज की आपको मिल गई। इसके अलावा स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छा मिला है किचन में, राउंडेड आपके किचन है। काउंटर टॉप ये देखेंगे आप, ये ब्लैक ग्रेनाइट रहेगा। और फिटिंग्स आपको काफ़ी अच्छे ब्रांड की यहाँ पे मिल रही हैं। स्टोरेज ऊपर भी काफ़ी अच्छा मिल गया। वॉल सीलिंग का वर्क अगर आप देखेंगे तो हमने लिविंग, अपना जो लिविंग आपने देखा वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा किया है। देन अगर आप हमारा किचन देखेंगे तो किचन में भी हमने काफ़ी अच्छा वॉल सीलिंग का वर्क किया है। सो आइए, आपने हमारा लिविंग एंड डाइनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हमारे फर्स्ट बेडरूम में। मैंने आपको बताया 3 BHK में बना हुआ है, 10x12 के आसपास इसका रूम का साइज जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं किंग साइज का बेड है ये हमने सेट किया है। उसके बाद भी अपने पास स्पेस इस साइड भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है, और उस साइड भी वॉकिंग स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं बेड काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉकिंग में, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक का ये वॉल है लाइट
कलर का हमने वॉलपेपर यहाँ पे सेट किया है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा बट गोल्डन टेक्सचर है ये, काफी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। इसके अलावा सबसे मेन वॉशरूम अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, बेडरूम से अटैच आपको ये वॉशरूम मिला है। वॉशरूम भी काफी अच्छा है, साइज काफी अच्छा है वॉशरूम का, काफी अच्छी सैनिटरी के अंदर आपको ब्रांड यहाँ पे मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए देखिए इस साइड काफी अच्छी साइज की विंडो हम लोगों ने दी है ताकि वॉशरूम में भी आपको वेंटिलेशन अच्छे से मिलता रहे। ये जो आप देख ले कर्टन हटाने के बाद रूम में अगर आप देखेंगे तो मैम कि रूम में वेंटिलेशन का क्या रहेगा, तो देखिए ये जो हमने आपको दिया है इस साइड से ये यूपीवीसी विंडो में टफन ग्लास है। यहाँ ये हम आ गए हैं, हमारा बैक साइड का यूटिलिटी एरिया है ये आपका, इसमें आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा। इसके दो फायदे रहेंगे, एक तो वेंटिलेशन आपको रूम में काफ़ी अच्छा रहेगा, सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया इसे बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको ही मिल गया। इस साइड हमने टैब एंड ड्रेन का ऑप्शन आपको दे दिया है, तो सामान भी आप अच्छे से कोई भी सामान छोटा मोटा होता है स्टोर आप कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा रूम में अगर अपन देखेंगे स्टोर का क्या रहेगा, सामान काफ़ी सारा होता है, तो देखिए फुल हाइट हमने इन वार्डरोब्स की दी है, ऊपर तक काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज मिला है, सामान आप इजीली काफ़ी अच्छा मतलब रूम में सबसे मेन अगर अपन देखें इस रूम में क्या हमको हाईलाइट कर रहा है तो स्टोरेज काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल गया है, वार्डरोब्स बहुत अच्छी आपको मिली है। देन अगर आप देखेंगे रूम के लुक की अगर हम बात करें तो देखिए सेम फॉल सीलिंग का वर्क हमने जो हमारे लिविंग में किया था सेम हमने वही का वही हमने बेडरूम में किया है। सो आइए, ग्राउंड आपने हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सभी बेडरूम्स में एंड कॉमन एरियाज में एसी फिटिंग्स आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आइए, स्टेयर्स का ऑप्शन आपको इस साइड से मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर भी देख लेते हैं। आइए, ये जो वॉल आपको मिल रही है इस वॉल पे आप अपनी मेमोरीज वगैरह कवर करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की बाद हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही दो बेडरूम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। सो आइए पहले ये वाला बेडरूम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप अगर डायमेंशन देखेंगे तो 10x16 के डायमेंशन में बना हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा साइज है। डायमेंशन से आपको पता लग रहा होगा कि रूम काफ़ी बड़ा है ये। इसमें आप चाहें तो इस साइड अगर आप सोफा इस साइड अगर अपना बेड भी आप सेट करेंगे तो उस साइड आप सोफाज वगैरह भी अपने रूम में सेट कर सकते हैं, इतना अच्छा स्पेस है रूम का। इसके अलावा वॉलपेपर हमने यहाँ पे सेट किया है, देख लीजिए आप काफ़ी अच्छे टेक्सचर का वॉलपेपर यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसके अलावा फॉल सीलिंग का वर्क सेम किया है हमने जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है हमारे इस बेडरूम को। फ्लोर अगर आप पूरे विला में देखेंगे तो विट्रीफाइल टाइल्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2x2 की आपकी टाइल्स रहेंगी ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि रूम में वेंटिलेशन का क्या रहेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये यूपीवीसी विंडो में टफन ग्लास रहेगा, इन ग्लासेस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, रफ एंड टफ रहेंगे ये। वेंटिलेशन आपको ऊपर से हमने पूरा इसको कवर्ड किया है, वेंटिलेशन आपको अच्छा रहेगा, यहाँ से भी पूरा पैक है ये, तो आप लोगों को स्टोरेज ये मिल गया है, यूटिलिटी एरिया आपको ये मिल गया है, इससे वेंटिलेशन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा अपने रूम में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एसी फिटिंग्स आपको मिल ही रही है। ये हम आ गए हैं हमारे रूम से ही अटैच वॉशरूम में, ये हमारा सेकंड बेडरूम का वॉशरूम है। आपने ग्राउंड पे हमारा एक वॉशरूम कंप्लीट कर लिया है जो कि रूम से अटैच था, ये हमारा दूसरा वॉशरूम का दूसरा बेडरूम के साथ अटैच है। वेंटिलेशन आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, फिटिंग्स आपको काफ़ी अच्छी ब्रांड की यहाँ पे मिलेगी। सबसे मेन अगर आप देखेंगे तो रूम का वॉशरूम का साइज काफ़ी अच्छा है। सो अब अपन चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में जो कि अपना मास्टर बेडरूम रहेगा। आइए, ये हम आ गए हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम है तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहेगा इसका, डायमेंशन इसका जाएगा 12x16 के आसपास का जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। और बेड आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ का बेड है, काफ़ी स्टैंडर्ड है ये बेड का साइज़ भी। उसके बाद भी अपने पास काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ मिल गया, उस साइड आपको काफ़ी अच्छा जो है वॉकिंग स्पेस मिल गया है। वॉल आप देखेंगे तो देखिए वॉलपेपर काफ़ी अट्रैक्टिव वॉलपेपर है, काफ़ी यूनिक पैटर्न का वॉलपेपर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वॉल सीलिंग का वर्क हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है। सबसे मेन रूम में वेंटिलेशन अगर आप चेक करेंगे तो देखिए कितना बड़ा आपको ये जो बैल्कनी के साथ ये जो बैल्कनी मिली है, बैल्कनी का जो साइज़ आपको मिला है ये भी काफ़ी अच्छा आपको मिल गया है। इसके अलावा पहले अपन वॉशरूम देख लेते हैं। आइए, ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं वॉशरूम में ये आपको मिला है ड्रेसिंग एरिया, इसे आप अपना ड्रेसिंग एरिया ही है ये। और यहाँ पे हमने रूम का स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब्स आपको दी हैं, ऊपर भी आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं, वार्डरोब्स यहाँ पे अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। इसके अलावा ये हम आ गए हैं हमारे रूम से ही अटैच वॉशरूम में, ये हमारा थर्ड वॉशरूम रहेगा, रूम से अटैच है। देखिए काफ़ी अच्छा साइज़ है वॉशरूम का, फिटिंग्स आपको काफ़ी अच्छी ब्रांड की यहाँ पे मिल रही हैं और काफ़ी अच्छे टेक्सचर के टाइल्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एंटी स्किप टाइल्स रहेंगी आपके नीचे फ्लोर पे। आइए, इसके अलावा अब हम हमारी फ्रंट बैल्कनी देख लेते हैं विला की।
देखिए ये यूपीवीसी विंडो में टफन ग्लास रहेगा और यहाँ ये हमने मैच डोर भी दिया है, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैच डोर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये हम आ गए हैं हमारी बैल्कनी में। वाओ, ब्लैक की जो बैल्कनी है वाकई में बहुत अच्छी है, काफ़ी लंबी बैल्कनी है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है, देखिए आप वुडन टेक्सचर के अंदर हमने फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पे किया है। ये ग्लास आप देख रहे हैं ये भी टफन ग्लास रहेगा, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया है, लोकेलिटी काफ़ी डेवलप रहेगी यहाँ की। देखिए पास में ही काफ़ी सारे विलास बने हुए हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही है, सो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। सबसे मेन अगर आप विला में देखेंगे तो प्रॉपर्टी सबडिविजन है। नॉर्मली क्या होता है, इस साइज़ के जो विलास होते हैं वो सबडिविजन नहीं हो पाते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको सबडिविजन मिल रही है। 78 गज काफ़ी स्टैंडर्ड है, आपको कहीं से भी ये विला 100 गज के आसपास से मतलब कम नहीं लगेगा, 100 गज के आसपास ही आपको ये लगेगा। आप जब विजिट करोगे तो बिल्कुल आपको यही फील होगा कि 100 गज के आसपास ही बना हुआ है। रूम्स अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड का फिर भी छोटा बेडरूम था वो, लेकिन ये जो ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर जो रूम्स के साइज़ आपको मिले दोनों काफ़ी अच्छे हैं, वो 10x16 का है, ये 12x16 का डायमेंशन है रूम का, तो रूम्स के साइज काफ़ी अच्छे आपको मिले हैं। बैल्कनी का आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल गया है, सीवरेज वाटर सब कुछ कंप्लीट है। आई होप आपको हमारी ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो। इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, साइट पर विजिट करना चाहते हैं, आप आके इसे देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं अपना विजिटिंग स्लॉट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी पे आप हमें फॉलो कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा।